हेलो एवरीवन, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम जानेंगे CUET BEd का अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट एंड नोटिफिकेशन के बारे में, जो भी रजिस्ट्रेशन को लेकर जो भी अपडेट है अभी तक, सब कुछ यहां पर हम डिटेल में जानेंगे। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जानेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ का, जो भी आपका 18 यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर में है, बीएड प्रोग्राम जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ओडिशा का यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों कुछ यहाँ पर अपडेट नहीं है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यहाँ पर हम देखें तो ओके, तो इसका जो कि रजिस्ट्रेशन का डेट जो कि 30 सितंबर से या 17 अक्टूबर तक इसका रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो कि एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि 4 अक्टूबर में ये आया है, जनरल नोटिस फॉर एडमिशन टू PG प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट PDF दिया गया है, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन कर दिया गया है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है ड्यू टू टेक्निकल रीजन द कमेंसमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर PG प्रोग्राम्स इन समर्थ पोर्टल इज पोस्टपोन। ओके, द रजिस्ट्रेशन थ्रू समर्थ पोर्टल विल बी डिप्लॉयड शॉर्टली ऑन CUET की वेबसाइट। तो वेबसाइट में आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द CUET की वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस। तो दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आप रेगुलरली विजिट करते रहिए। इसका जो भी आपका डेट्स था, इसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। यहाँ पर हम अलग यूनिवर्सिटी का देखें तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ओके, कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। इसका जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर कुछ अपडेट ऐसा नहीं है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन को लेकर कुछ ऐसा अपडेट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे जो कि आपका मणिपुर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो कि आपको एडमिशन 2022 एंड 23 में क्लिक करना है। उसके बाद जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रोग्राम का जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, तो यहीं पे आपका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का। यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई हियर, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट डेट जो कि ये रहेगा 6 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक इसका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का। यहाँ पर आप देख सकते हो BEd प्रोग्राम यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये आपका PG प्रोग्राम के लिए है, जो कि यहाँ पर हम नोट में देखें तो ओनली CUET क्वालिफाइड और अप्योर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जो कि आपका स्टार्टिंग डेट जो कि 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक है, इसका प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसमें आप क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नोटिस यहाँ पर हम देखें तो एक नोटिस भी यहाँ पर आपका दिया गया है, इसमें हम चेक करते हैं। ओके, तो ये नोटिस में यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट डेट ऑफ द सबमिशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 6 अक्टूबर से 18 अक्टूबर। इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में भी दिया गया, जैसे कि 300 फॉर UR OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए रहेगा एंड 200 फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका रहेगा। ओके, तो ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपका मणिपुर है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे और एक यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, सब यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। तो ये आपका था मणिपुर यूनिवर्सिटी का। तेजपुर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हम बात करें तो तेजपुर यूनिवर्सिटी का दोस्तों ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। ओके, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर हम देखें तो इसका जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन अनाउंसमेंट में जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, तो PG प्रोग्राम का जो कि यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म 26 नवंबर से यह स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 9 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। तो ये आपका रहेगा तेजपुर यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे जो कि BHU का। ओके,
तो दोस्तों BHU का जो कि यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, यहाँ पर आपका UG एडमिशन रजिस्ट्रेशन का ये आपका हो रहा है सब कुछ। तो PG को लेकर ऐसा कुछ अपडेट नहीं है दोस्तों इसमें, ओके। तो ये आपका BHU का था। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे जो कि आपका रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए। यहाँ पर आपको एडमिशन 2022 में क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो PG प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद जो कि आपका नीचे सब कुछ यहाँ पर आपका अपडेट आ जाएगा, जैसे कि नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो इसका जो कि है इसका हम लेटेस्ट अपडेट दे दिए थे दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका डेट कितना कितना है जो कि रजिस्ट्रेशन, ओके। तो इसका जो कि देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो कि 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसका रहेगा, ओके। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 10 अक्टूबर तक है। और इसका जो कि आपका फीस स्ट्रक्चर जो कि रहेगा रजिस्ट्रेशन का 800 फॉर UROBC EWS एंड 400 फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए रहेगा एंड 200 फॉर PWD PH और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका है, ओके। तो ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर रहेगा हरियाणा के लिए। तो दोस्तों हरियाणा का भी ऑलरेडी लेटेस्ट अपडेट हम दे दिए थे, इसका हम देख लेते हैं जो कि डेट कितना रहेगा। यहाँ पर एक्टिविटी शेड्यूल में यहाँ पर आपका मिल जाएगा सब कुछ, एक्टिविटी शेड्यूल जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यहाँ पर आपका सब कुछ है। आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, काउंसलिंग डेट, सब कुछ यहाँ पर आपका इसी PDF में आपको मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। एंड मेरिट लिस्ट जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 10 अक्टूबर में यहाँ पर आपका रिलीज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, डिस्प्ले आ जाएगा सब कुछ। तो उसके बाद यहाँ पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि कश्मीर के लिए यहाँ पर जो कि इंटीग्रेटेड BEd MEd प्रोग्राम यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिविटी शेड्यूल यहाँ पर है। तो ओपनिंग डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन जो कि आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है एंड क्लोजिंग डेट जो कि रहेगा 9 अक्टूबर 11:55 PM तक। इसका जो कि रजिस्ट्रेशन फी रहेगा 100 एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 50 रुपीज़ रहेगा एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका नील है, ओके। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम देख सकते हो फ्रेंड्स जो कि इंटीग्रेटेड BEd MEd प्रोग्राम यहाँ पर आपका रहेगा, ये PG प्रोग्राम में सब कुछ आएगा। तो ये आपका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के लिए है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे जो कि यहाँ पर आपका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का भी हम लेटेस्ट अपडेट एक वीडियो में दिए थे दोस्तों, इसका हम देख लेते हैं जो भी यहाँ पर आपका है PG प्रोग्राम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट PDF दिया गया है, इसमें आपका एक्टिविटी शेड्यूल के बारे में दिया गया है, ओके। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा द टाइम फ्रेम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल जो कि 29 सितंबर से ये आपका 15 अक्टूबर midnight तक है, ओके। तो इसका देख सकते हो 15 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो 200 फॉर UR और OBC एंड 100 फॉर SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। उसके बाद जो कि यहाँ पर आपका बहुत सारे डेट्स दिया गया है अलग अलग जो कि आपका काउंसलिंग के लिए, इसको आप देख सकते हो। तो ये आपका रहेगा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के लिए। सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CUET PG फर्स्ट सेमिस्टर रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर आपका है, इसमें हम क्लिक करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप क्लिक करने से देख सकते हो इसका जो कि समर्थ पोर्टल का ये आपका लिंक है, ओके। यहाँ पर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपका डेट दिया गया है, यहाँ पर हम डेस्कटॉप मोड में इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पर आपका रहेगा 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट जो कि एंडिंग डेट जो कि रहेगा 7 अक्टूबर तक है दोस्तों। तो आज का डेट इसका लास्ट डेट है
यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग जो कि 12 AM तक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपका है हेमावती नंदन। सो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नोटिसेस में यहाँ पर हम देखें तो जो कि यहाँ पर आपका रहेगा फर्स्ट लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग प्रोग्राम का ये है। पीजी प्रोग्राम का यहाँ पर हम देखें तो कुछ ऐसा अपडेट नहीं है इसमें, इसको आप चेक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कि यहाँ पर आपका रहेगा नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है। इसका जो कि बीएड प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन नोटिफिकेशन जो कि बीएड प्रोग्राम का ये आ चुका है। इसका लिंक भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि समर्थ पोर्टल का लिंक है। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाकर इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कि स्टार्ट ये हुआ है 6 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है एंड 16 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है दोस्तों। इसका रजिस्ट्रेशन फी जो कि रहेगा 250 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट्स के लिए है एंड 100 फॉर एससीएसटी थर्ड जेंडर और पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पर आपका रहेगा 100 रुपीज़। ओके, इसका मेरिट लिस्ट जो कि डिक्लेयर होगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पर 20 अक्टूबर में डिक्लेयर होगा एंड 25 अक्टूबर में सेकेंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा। ओके, तो ये आपका लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। इसमें आप क्लिक करके जो कि है रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर आपका आ चुका है, इसमें आप जाकर सब कुछ अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली सीयूईटी क्वालिफाइड और एप्योर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई यहाँ पर आपका लिखा गया है, यहाँ पर आप जाकर चेकआउट करिए इसको। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ अलग यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा। इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर ऐसा कुछ यहाँ पर आपका नहीं है दोस्तों, मीन्स अपडेट नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा ये आपका वेबसाइट में जाकर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम जानते हैं अलग यूनिवर्सिटी का जो कि यहाँ पर आपका रहेगा, तो यहाँ पर आपका है BBAU। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट ये आपका रहेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसका जो कि रजिस्ट्रेशन को लेकर है यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पर आपका स्टार्ट या आपका 6 अक्टूबर से ही आपका हो चुका है एंड 16 अक्टूबर 12 AM तो यहाँ पर आपका रहेगा मिडनाइट तक यहाँ पर आपका रहेगा 16 अक्टूबर में। ओके, इसका जो कि यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फ़ी देखें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 200 एंड एससीएसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका रहेगा 100 रुपी यहाँ पर आपका है दोस्तों। इसका भी एक टोल फ्री नंबर है यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो जो भी आपका डाउट है। तो ये आपका है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी का डिटेल्स, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। ओके, यहाँ पर हम कुछ अलग यूनिवर्सिटी का देखते हैं। इसका लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन जो कि यहाँ पर आपका समर्थ पोर्टल में यहाँ पर आपका ओपन होगा, यहाँ पर आप सब कुछ जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 6 अक्टूबर से ये आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। ओके, यहाँ पर हम और भी यूनिवर्सिटी का देखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कि नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, इसका पीजी प्रोग्राम का यहाँ पर हम एडमिशन नोटिफिकेशन में देखें तो। ओके, तो यहाँ पर आपका अपडेट आ चुका है सबको रजिस्ट्रेशन को लेकर है। इसका प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पर है, यहाँ पर आप जाकर सब कुछ चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट में आप विजिट करके। तो इसका हम रजिस्ट्रेशन का क्या क्या अपडेट है देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि यहाँ पर आपका 30 सितंबर से ही आपका स्टार्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बीएड भी रहेगा शिक्षा शास्त्री बीएड जो कि इसका लास्ट डेट रहेगा 13 अक्टूबर तक है। एप्लीकेशन फ़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन का फ़ी रहेगा 200 है और इसका जो कि नोटिफिकेशन का सिलेक्ट लिस्ट जो कि 19 अक्टूबर में डिक्लेयर होगा। ऑफलाइन एडमिशन प्रोसेस रहेगा जो कि 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक, इसका क्लासेस जो कि स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर में। तो इसका लास्ट डेट है दोस्तों 13 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है
नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानते हैं अर्क यूनिवर्सिटी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर हम पीजी प्रोग्राम के लिए देखें तो कुछ अपडेट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें तो CUET PG जो कि यहाँ पर आपका ये टॉपर लिस्ट है, बट यहाँ पर आपका एडमिशन को लेकर जो कि PG के लिए ऐसा कुछ अपडेट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर UG का है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट जो कि यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये आपका रहेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे जो कि IFLU, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का, इसका एडमिशन सेक्शन में हम देखेंगे, क्योंकि PG प्रोग्राम के लिए भी इसका कुछ अपडेट नहीं है दोस्तों। बट देख लेते हैं यहाँ पर आपका CUET PG में। ओके, तो PG के लिए यहाँ पर आपका कुछ ऐसा अपडेट नहीं है जो कि आपका एडमिशन को लेकर, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो ये आपका UG का है। ओके, तो ये आपका UG का ही है। PG का यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में आपका नहीं है कुछ, यहाँ पर आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो PG में यहाँ पर हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका PG का आ गया, जो कि बहुत ही पुराना नोटिफिकेशन था ये, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को लेकर ऐसा कुछ अपडेट नहीं है जो कि समर्थ पोर्टल का। ओके, यहाँ पर हम नेक्स्ट जानते हैं और यूनिवर्सिटी का, जो कि यहाँ पर आपका रहेगा मणिपुर यूनिवर्सिटी, तो ये आपका हो गया। ओके, सो दोस्तों आई थिंक यहाँ पर हम सभी यूनिवर्सिटी का चेक कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।